सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो डियर फ्रेंड, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा 13वां दिन है और आज हम लोगों ने अपना पहला ट्रेड EURGBP पर अपवर्ड डायरेक्शन का ले लिया है $14 से। ओके, तो यहाँ पे आप देखना है कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जिसके अंदर ही 5 मिनट कैंडल की ओपनिंग हुई है और उसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए। उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना पहला स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पर $14 से कर दिया है। आज का मेरा टारगेट है $1000 कंप्लीट करके इसको छोड़ दूंगा। तो देखते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए करेंगे। तो यहाँ पर पहला है ट्रेड मेरा यहाँ पे लॉस में जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं अपना मनी मैनेजमेंट करूंगा। और अब मैं जो है वो $20 से जो है वो नेक्स्ट ट्रेड अपना प्लेस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, जैसे कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा मैं अपना नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्लेस करूंगा। सो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अपना $20 से सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट कंसिस्टेंटली फॉल कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मार्केट कंसिस्टेंटली नीचे गिर रहा है, और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो एक और नंबर कैंडल है जिसका टारगेट ही नीचे वाली लाइन है, क्यूटेक्स का लेवल है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री भी सही लिया हुआ है जिससे कि छोटा मोटा ग्रीन भी बनाएगा तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। वैसे तो इसको रेड बनाना चाहिए, बट अगर एरर दिया तो बहुत छोटा सा ग्रीन बनाएगा और मेरा ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा। उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है। सो देखना यह है कि यहाँ पे क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे हमारा जो ट्रेड है वो चल रहा है। $20 से सेकंड ट्रेड मैंने लिया है, वेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इंतजार करते हैं। ओके, तो काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे है जैसे कि आप देख सकते हो, और फिर से ऊपर जा रहा है, तो देखते हैं लास्ट सेकंड तक वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फाइनली मेरा ट्रेड बिल्कुल क्लोज पॉइंट पे विन हो चुका है, शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा $37 से। तो यहाँ पर मैं $37 से अपना नेक्स्ट यहीं पर लेने वाला हूँ फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन का। तो देखो इतना ज्यादा मार्केट नीचे आया हुआ था तो अचानक से तो बायर्स नहीं आएंगे यहाँ पे। इसका टारगेट नीचे वाली लाइन है, ये लोअर लाइन, तो उसको टच करने के लिए मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना सिंपल सा डाउनवर्ड डायरेक्शन का नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर दिया है। AUD CHF है, यहाँ पर मैंने सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग तुरंत ही कर दिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट कंसिस्टेंटली फॉल हुआ है, नीचे आया हुआ है, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना ट्रेड लिया। देखना है कि इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, इंतजार करते हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इसको क्लियरली नीचे तो आना चाहिए, ये इसका टारगेट है नीचे वाली क्यूटेक्स का लाइन, उसी चीज को देखते हुए, और मार्केट पूरा फॉल कर रहा है, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना ट्रेड लिया है। और इसकी जो ओपनिंग हुई है वो भी क्यूटेक्स के लेवल के जस्ट नीचे हुई है अगर आप देखोगे तो देखो काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे ये भी हमारा ट्रेड है। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो देखो लास्ट सेकंड में ये जो ट्रेड है ये हमारा लॉस हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अपना मनी मैनेजमेंट करेंगे और अब हम $10 से अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। तो जैसे हमें कोई बढ़िया पॉइंट मिलेगा नेक्स्ट ट्रेड हम प्लेस करेंगे। सो वेट करते हैं। सो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर EURGPY पर फिर से मुझे पॉइंट मिला और मैंने अपना चौथा ट्रेड प्लेस कर दिया। आप लोग यहाँ पर ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे लॉस विन हुआ था, फिर दूसरा लॉस हुआ, इस तरीके से पहला लॉस हुआ था, फिर दूसरा विन हुआ, फिर तीसरा लॉस, और ये चौथा ट्रेड मैंने अपवर्ड डायरेक्शन का लिया हुआ है। अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, साथ ही साथ मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करा है दो रेड के बाद ग्रीन बनाने का। तो उस चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे $10 से अपना ट्रेड प्लेस करा हुआ है। देखना यह है कि इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ इस ट्रेड को बिल्कुल क्लियर विन होना चाहिए, बट यार मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सो प्रॉपर वेट करो, है ना, इंतजार करो लास्ट तक, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वेट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन में चला है। अब मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा, $18 से नेक्स्ट ट्रेड अपना प्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड है वो बिल्कुल क्लियर शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है, और यहाँ पर अगेन मैं एक और स्टेप कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। तो मैंने एक और ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन का ले लिया है। अगेन आपका ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मार्केट नीचे आया था, एक अच्छा बायर यहाँ पे आया और इसने मार्केट को ऊपर लेकर जाने की पूरी कोशिश किया है। तो उस चीज को देखते हुए, क्योंकि इसके मैजिक वी की प्रायोरिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस प्रायोरिटी के बीच में ही मैं। सो चलिए फ्रेंड, आप यहाँ पे हमारा ट्रेड देख सकते हो, हमारे जो ट्रेड यहाँ पे लगाए हुए थे हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है, हमारा सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग डन हो चुका है। एक्चुअली शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो शायद उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। बट आप लोग ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, मेरा पांचवा ट्रेड था और क्लियर विन हो चुका है। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग अपना करूंगा $33 से। ठीक है, तो $33 हम लोग यूज करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड हम लोग अपना प्लेस करेंगे, वेट करेंगे कोई बढ़िया से पॉइंट का। जैसे हमें कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा हम अपना नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे EURGBP पर एक बहुत बढ़िया पॉइंट मिला और मैंने अपना थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग $33 से कर दिया है। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बताऊंगा ट्रेड विन होने के बाद। पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और मार्केट कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा था जिसको मैं देखा, और मुझे पीछे सपोर्ट लेवल भी मिला था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, तो मुझे लगा यहाँ से एक एटलीस्ट ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। तो उसी चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पर अपना अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। सो देखना यह है कि इसका रिजल्ट हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वेट करेंगे। सकते हो हमारा ट्रेड काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे चल रहा है और हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है, और हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग बैक टू बैक विन हो चुका है। अगर आप देखोगे तो छठा ट्रेड था हमारा, आप पूरी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है। अब हम लोग अपना कैपिटल यहाँ पे कम करेंगे और मैं यहाँ पे $12 का यूज करूंगा, और नेक्स्ट स्टेप फिर से यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट ट्रेड मैंने फिर से आपका ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर EURGBP पर एक और आपका ट्रेड मैंने ले लिया है अमाउंट कम करके। अब ट्रेड लेने के पीछे का रीजन आप समझ लो, यहाँ पे आपका मैजिक भी कंप्लीट हुआ था, और पीछे अगर आप देखोगे जा करके तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा मिलेगा यहाँ से। इसी चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे सिंपल सा ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था उस पॉइंट को लेकर के कि इसको ऊपर जाना चाहिए, और उसी चीज को देखते हुए मैंने आपका ट्रेड यहाँ पर प्लेस करा था। तो अब आपको, अब वेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, इंतजार करते हैं। हम लोगों ने एक और ट्रेड प्लेस कर दिया है $12 से, अभी काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे चल रहा है, कुछ ही सेकंड रिमेनिंग है।
लास्ट लास्ट सेकंड तक वेट करेंगे। ट्रेड लेने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन था जो मैंने आपको बताया, फुलफिल लास्ट कैंडल भी था, तो इसको ऊपर तो जाना चाहिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा क्लोज पॉइंट पे था, और ये भी हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है, और सातवां ट्रेड था हमारा बैक टू बैक ट्रेड अभी हिट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पे करने वाले हैं $23 से। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा, और एक और अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड मैंने तुरंत ही ले लिया है। देखो, और आपका ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वाली कैंडल को शॉर्ट शॉर्ट क्या बनाना था, ग्रीन बनाना था, बट उसने क्या दिया, उसने एरर दिया और रेड कैंडल बना दिया। अब यहां से मार्केट को ऊपर उठना चाहिए EURGBP को, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना नेक्स्ट स्टेप कंपाउंडिंग कर दिया है। देखना यह है कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि मेरी एंट्री भी बहुत बढ़िया हुआ है, तो अगर यह रेड कैंडल बनाएगा भी तो जो ग्रीन कैंडल है उस ग्रीन कैंडल के साइज के अंदर बनाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंतजार करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा क्लोज पॉइंट पे था हमारा जो ट्रेड है, और हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर से अपना मनी मैनेजमेंट करूंगा और $10 मैं यूज करूंगा, और अब मैं वेट करूंगा दूसरे पॉइंट का, जैसे कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा मैं अपना नेक्स्ट ट्रेड एक्सिक्यूट करूँ। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे USD CAD पर एक पॉइंट मिला, और मैंने अपना नवा ट्रेड $10 से डाउनवर्ड डायरेक्शन का प्लेस कर दिया है। देख लो आप लोग, यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक आप समझो, मार्केट नीचे आ रहा है, मैजिक बी की प्रायोरिटी अगर आप देखोगे तो मार्केट में मैजिक भी नीचे गया है, इस डायरेक्शन में इसको कंप्लीट करने के लिए नीचे आना चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो एक रेड फिर दो ग्रीन, उसको एक रेड बनाना चाहिए। तीसरी चीज, 5 मिनट कैंडल की ओपनिंग क्यूटेक्स के लेवल के नीचे हुई थी, तो फर्स्ट कैंडल था, दूसरा, तीसरा और चौथा कैंडल था, उसको नीचे आना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपना यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करा है $10 से। सो देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंतजार करते हैं। सो फ्रेंड, पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार जो है मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख सकते हो आप लोग हमारा जो ट्रेड है वो लॉस हो चुका है, तो अभी $850 जो हमारा बैलेंस है वही अभी है। तो अब हम लोग वेट करते हैं, जैसे कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा हम अपना नेक्स्ट ट्रेड एक्सिक्यूट करेंगे। सो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला CADCHF पर, और मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। $10 से मैंने ट्रेड लिया प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक आप समझो, यहाँ पे देखो मार्केट कंसिस्टेंटली 3 रेड बनाया था, यहाँ पे भी 3 रेड बनाया था, और यहाँ पर जो कैंडल की ओपनिंग हुई है वो मेन क्यूटेक्स के लेवल के जस्ट नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो फुलफिल लास्ट कैंडल के कॉन्सेप्ट से इस कैंडल को कंप्लीट फिल करना चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया है। सो अभी मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, इसके बाद अभी और कोई ट्रेड नहीं लूंगा अगर लॉस होगा तो, क्योंकि बार बार मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अभी तक मैंने टोटल 10 ट्रेड्स लिया है, उसमें से अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक हमारा भी कुछ लॉस हुआ है, 3 से 4 3 ट्रेड हमारा बैक टू बैक लॉस हुआ है। एक आपका जो डबल दिखा रहा है वो यही वाला ट्रेड है जो आपको प्रॉपर शो कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे समझो टोटल हमने 10 ट्रेड लिया हुआ है, 10 में से अभी हम लोग लॉस पे हैं। तो वेट करेंगे, कुछ समय के बाद जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी मीटिंग को, क्योंकि पता नहीं कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो कुछ समय के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो डियर फ्रेंड, मैं काफी समय के लिए गैप लिया था क्योंकि उस समय कुछ इशू हो गया था, मतलब नेटवर्क एरर या आई थिंक समथिंग कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से मतलब स्क्रीन सही से नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने कुछ समय के बाद अभी कनेक्ट किया फिर से 6 बजे के आसपास। आप लोग ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, टोटल 10 ट्रेड मैंने लिया था, और अभी मैंने एक ट्रेड लिया $70 से सीधा। यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे का बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक था, इसको सीधा नीचे आना चाहिए था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिला था, और मार्केट इसको इसको देख करके यहाँ से सेलर प्रेशर मिलकर मार्केट को सीधा नीचे आना था, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर नहीं था। उसी चीज को देखते हुए मैंने सीधा सीधा $70 से अपना ट्रेड प्लेस किया, और आप देख सकते हो मेरा जो ट्रेड है वो बिल्कुल क्लियर शॉर्ट शॉर्ट चल रहा है। आप लोग पूरी ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, यहाँ से मैंने टोटल 10 ट्रेड दिया था, अभी 11वां ट्रेड मैंने दिया, और मेरा जो ट्रेड है वो बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ $100 से। तो मैं यहाँ पर अपना $110 यूज कर लेता हूँ, 110 नहीं $115 मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लेस करूंगा जैसे मुझे यहाँ पर कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा। तो वेट करूंगा, जैसे कोई बढ़िया सा पॉइंट मिलेगा मैं अपना नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूंगा। सो चलिए फ्रेंड, फाइनली मुझे यहाँ पर एक और पॉइंट मिल चुका है, मैं अगेन से GBP EURGBP पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया हूँ। मैंने अपना कैपिटल कम कर दिया है, $20 मैंने यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा 12वां ट्रेड है, और मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा दूँ, देखोगे मार्केट में एक ग्रीन के बाद फिर से रेड बना रहा है मार्केट, क्योंकि मार्केट में नीचे कंसिस्टेंटली फॉल हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे भी देख लो रिवर्सल दिया है, यहाँ पे भी रिवर्सल मिला है, और यहाँ पर भी कितनी बार रिवर्सल मिला है, दैट मीन्स कि ये जो लेवल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। और उसी चीज को देखते हुए मैंने उसके बाहर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर लिया, और मेरा एंट्री काफी सही हुआ है, तो ये भी ट्रेड मेरा शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए। सो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, इंतजार करते हैं। कुछ 11 सेकंड रिमेनिंग है, ओके, तो वेट करते हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ मेरा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन हो जाएगा, तो वेट करते हैं यहाँ पे, और मेरा ये जो ट्रेड है वो बिल्कुल क्लियर विन हो चुका है। तो अब मैं अपना यहाँ पे सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा $37 से। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट मिला EURGBP पर ही, और अगेन से मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया $37 से। सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, आप लोग पूरी ट्रेड हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया। इसके पीछे का लॉजिक समझो, यहाँ पे ऊपर से ट्रेंड लाइन लेवल था, नीचे हॉरिजेंटल लेवल था, दोनों का क्रॉस ओवर, दैट मींस कि गोल्डन पॉइंट था, और मार्केट स्ट्रक्चर दे रहा था कि एक ग्रीन के बाद रेड बनाएगा। इतना बड़ा ग्रीन दिया था, एक एरर कैंडल था जो कि हमें ट्रैप में फंसाने के लिए था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, और आप देखोगे हमारा ट्रेड बिल्कुल क्लियर विन चल रहा है। इसके बाद हम लोग सिर्फ एक ट्रेड और लेंगे $69 से, और अगर हमारा ये ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होता है तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं $69 से एक और ट्रेड लूंगा, यहीं पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने का मन कर रहा है मेरा, बट वेट करूंगा, मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, अगर मुझे बढ़िया पॉइंट मिलेगा तब मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। सो वेट करते हैं बढ़िया पॉइंट का। ये फ्रेंड, अब हम लोग $69 से अपना नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं। AUD GPY पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड मैंने ले लिया है,
बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे मिला हुआ है, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा अपना डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया, कितना $69 से, और मैंने अपना थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग कर दिया $20 से। आप लोग ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो, ये मेरा 14th ट्रेड है, आप लोग पूरा ट्रेड हिस्ट्री देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहला ट्रेड लिया था $70 से, विन हुआ फिर 20 से, फिर 37 से, और अभी $69 से। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और मार्केट अपना मैजिक वी की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस मैजिक वी को कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा। तो अगर मैजिक वी की प्रायोरिटी नीचे की है तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और रिस्पेक्ट जरूर देगा। उसी चीज को देखते हुए मैंने अपना यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया, और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर डीप वीन हमारा जो ट्रेड है वो चल रहा है, और आज का हमारा टारगेट इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा और $1,000 का माइलस्टोन हम लोग अचीव कर लेंगे। बाकी हम लोग जो है उसको धीरे धीरे करके आगे ग्रो करेंगे और ट्राई करेंगे कि इधर थोड़ा जल्दी आप ग्रो करें, क्योंकि स्टार्टिंग जब आपका कैपिटल छोटा होता है तो आपको टाइम लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारा ट्रेड विन हो चुका है, तो मैं आपको कह रहा था कि जो छोटा कैपिटल होता है उसको बड़ा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार कैपिटल बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको टाइम नहीं लगता है, फिर वो फास्ट तरीके से काम करना शुरू करता है और आपका जो कैपिटल है ना वो रैपिडली ग्रो होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग छोटे से करिए और धीरे धीरे करिए, जल्दबाजी आपको किसी भी चीज के यहाँ पे नहीं करना है, आराम से करिए, रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। तो आपने देखा हमारा जो ट्रेड था वो लॉस हुआ था उस समय, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था जिसकी वजह से मुझे मीटिंग को कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा, और फिर हम लोगों ने अपना कनेक्ट किया और आप देखोगे उसके बाद किस तरीके से हमें रिजल्ट मिला। ट्रेड लिए थे हम लोग चारों के चारों बिल्कुल क्लियर शॉर्ट शॉर्ट हुआ, एक यूरो जीबीपी पर $70 से, फिर $20 से, फिर 37 से, फिर 69 से, तो सारे के सारे ट्रेड्स हमारे बिल्कुल क्लियर विन हो चुके हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल। अगर आप लोग भी इसी तरीके की सीरीज का पार्ट बनना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लोग 3000 से 30,000 का सीरीज एक लॉन्च करेंगे जल्दी ही अपने स्टूडेंट के लिए। तो उसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ अगर आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी इस चैनल पे बहुत जल्दी लर्निंग कॉन्टेंट भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट का बेसिक से एडवांस लेवल पे पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। साथ ही साथ बाइनरी मार्केट का भी काफी सारा नॉलेज मैं आपको दूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा, जो कि काफी अच्छे से मार्केट पे वर्क करता है। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।